अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं उस्ताद आसिफ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मज़ारे कायद पे, जहाँ क्वेटा में होने वाले 22 मई से 30 मई तक मुनक्किद 34वें नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली का आगाज़ होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 में पहली मरतबा नेशनल गेम्स कराची में मुनक्किद हुए थे, जिसको ख़ुद बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आगाज़ किया था। आज चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत साहब मशाल जलाकर हॉकी लेजेंड ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी के हवाले करेंगे। तो चलिए तकरीब की तरफ चलते हैं। मुबारकबाद पेश करता हूँ। हिंदुस्तान हमारा एक बहुत ही खूबसूरत और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और इन गेम्स का वहाँ पे इनका इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि अमन वार की सूरत बहुत बेहतर हो गई है। हमारे सर कराची से 450 खिलाड़ी यहाँ से जा रहे हैं क्वेटा में खेलने के लिए, जहाँ पर 32 खेल के मुकाबले होंगे, और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बुलंद है। मैं सबसे मिला हूं और मुझे ये यकीन है कि कराची के खिलाड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। आप जानते हैं कि 19 साल के बाद 34वां नेशनल गेम बलूचिस्तान में होने जा रहा है। बलूचिस्तान जो रग्बी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आपकी मेजबानी के लिए तैयार है। हम बलूचिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इज्जत देने वाले लोग हैं, प्यार देने वाले लोग हैं। हम अपने पाकिस्तान के तमाम सूबे के लोगों को, अपने सिंधी भाइयों को, अपने पठान भाइयों को, अपने पंजाबी भाइयों को, अपने गिलगिती भाइयों को, अपने कश्मीरी भाइयों को मोहब्बत देने के लिए, प्यार देने के लिए, उनकी मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जेब से खरीद के दी थी। तो ये जो आज टॉर्च रिले शुरू होगी, ये एक मोहब्बत और अमन का पैगाम है। खेलों की एक जनरल ट्रॉफी होती है, जो भी सूबा, जो भी डिपार्टमेंट्स, इसमें तमाम सूबे और डिपार्टमेंट लाइक आर्मी, वापदा, रेलवे, पुलिस। मज़ारे कायद की तकरीब का इस्तेमाल हुआ चाहता है, लेकिन 34वें नेशनल गेम्स की टॉर्च रैली का कराची का सफ़र इख्तिताम नहीं हुआ है, क्योंकि ये टॉर्च रैली यहाँ से जाएगी इकरा यूनिवर्सिटी, फिर वहाँ से सर सैयद यूनिवर्सिटी। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे इकरा यूनिवर्सिटी में।